स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विदेशी महिला राइडर के साथ बलात्कार के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर राइडर्स ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कोल्हान के एकमात्र ईएसआईसी अस्पताल में किडनी मरीज के लिए डायलिसिस बंद होने से मरीज एवं परिजन परेशान। दिमना चौक के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने बिजली के खंभे को मारी टक्कर। आज भारत की राइडिंग कम्युनिटी और जोड़ी राइडर्स की तरफ से डीसी ऑफिस जमशेदपुर में तमाम राइडर्स और वेस्ट बंगाल से आए काफी राइडर्स ने डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह डिमांड की गई है कि दुमका में जो पहली मार्च को एक विदेशी महिला राइडर के साथ बलात्कार की घटना घटी है उसके दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। डीसी साहब ने भरोसा दिया है कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और सभी राइडर लोगों की तरफ से एक मांग की गई है कि जो भी दोषी है उनका चेहरा ढकाना जाए, समाज में उन लोगों को उजागर किया जाए कि इस तरह के लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। इसमें जोड़ी राइडर्स, रॉयल किंग मोटरसाइकिल क्लब और पश्चिम बंगाल से आए काफी राइडर लोगों ने भाग लिया, जिसकी कहानी और कहानी हमारे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये वाक्य को मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, और इसके कई उदाहरण हैं जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं। ऐसी हमारी राइडर बहन 65 देशों के जो यात्रा करके हिंदुस्तान के रास्ते कई राज्यों से होती हुई जब दुमका झारखंड में आई तो ये देश की संस्कृति और सभ्यता जो जानना चाहती थी उसके सपने चूर चूर हो गए। चंद लोगों के कारण उनके सपनों को बहुत ही घिनौने तरीके से चूर चूर कर दिया गया। उस महिला के साथ जिन 7 लोगों ने ये व्यवहार किया है, हम आज डीसी ऑफिस के समक्ष खड़े हैं और डीसी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है और ये उनसे रिक्वेस्ट की है कि उन 7 लोगों को, जिसमें से 3 अरेस्ट हो चुके, 4 को और खोजकर ऐसी सजा दी जाए जो मौत से कम ना हो और आने वाले समय में एक ऐसा उदाहरण भी पेश किया जाए कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में एक विख्यात राष्ट्र है। यहाँ बहुत डेवलपमेंट होते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, बस पर ये सभ्यता को देखते हुए एक असभ्य जो काम हो चुका है उसका ये भी उदाहरण पेश होना चाहिए कि बहुत बड़ी सजा दी जाए ताकि करने वालों को कांपे और हजारों बार सोचे। तो अभी जो ये जमशेदपुर का बाइकर्स लोग जो ये अरेंज किए लेटर पिटिशन जमा किया है कलेक्टर ऑफिस में, ये जो कांड हुआ 1 तारीख को, ये कांड बहुत शर्मनाक कांड है और इसके अगेंस्ट पे हम लोग खड़ा होना चाह रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, हम लोग को फंडंडा के लिए जस्टिस चाहिए। जो ये 7 लोग ये कांड किए उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए मैं ये भी बोलना चाहूँगा इसके साथ कि मोस्टली जो बाइकर है इसलिए हम लोग जो बाइक चलाते हैं, बाइक पर राइड करते हैं, टूर करते हैं, सिर्फ हम लोग ही नहीं, इससे पहले वो बाइकर से पहले भी एक औरत है और ये जो बात है ये हर औरत का बात है, औरत की इज्जत का बात है। तो इस ये समाज में जो सब है उन सबको यहाँ पे एकजुट होकर आना चाहिए, ये हम लोग का दायित्व है कि हम लोग इस समाज के हर एक महिला को, अपने माँ को, अपने बहन को ये दिलासा दे सके कि वो सेफ है, वो रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे भी निकले, अकेले भी निकले तो वो सेफ फील करे, ना कि वो डर के निकले कि मेरे साथ कुछ घट जाए। तो यही एक कोशिश रहेगा हम लोग सबका। आदित्यपुर स्थित कोल्हान के एकमात्र ईएसआईसी अस्पताल में बुधवार 6 मार्च से किडनी मरीज के लिए डायलिसिस का इलाज बंद होने जा रहा है, जिससे सैकड़ों मरीजों की जान पर आफत बन सकती है। दरअसल आदित्यपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में 5 वर्ष पूर्व नेफ्रो प्लस नामक कंपनी के साथ टाई अप कर मरीज का डायलिसिस इलाज शुरू किया गया था। यहां तकरीबन 70 से भी अधिक मरीज सप्ताह में 3 से 4 बार डायलिसिस का इलाज करते हैं, लेकिन टाई अप खत्म होने के बाद नेफ्रो प्लस द्वारा मंगलवार को अचानक नोटिस चस्पा कर बुधवार 6 मार्च से डायलिसिस इलाज बंद करने की घोषणा की गई है, जिससे मरीजों की जान पर संकट बनाई है, वहीं परिजनों का बुरा हाल है। डायलिसिस के मरीजों ने इस संकट से उबारने के लिए आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह से मुलाकात कर इस समस्या का हल निकाले जाने की मांग की है।
डायलिसिस मरीजों के परिजनों का कहना है कि प्रतिमाह उनके निजी कंपनी के वेतन में से ESIC इलाज के नाम पर कटौती की जाती है, लेकिन उन्हें अचानक से किडनी मरीज को जान बचाने वाले इस इलाज को बंद किए जाने से उनके समक्ष अब जान का खतरा बन गया है। परिजनों ने बताया कि सेकेंडरी टाइप के तहत शहर के निजी अस्पतालों के साथ करार खत्म कर दिया है। ऐसे में 10 से 15 हज़ार रुपये प्रतिमाह कमाने वाले इन मजदूरों को बाहर निजी अस्पताल में डायलिसिस इलाज के लिए प्रतिमाह 26 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। पुरेंद्र नारायण सिंह ने केंद्रीय श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय एवं निजी सहायक को पूरे मामले से अवगत कराया है, जिस पर समाधान निकालने संबंधित आश्वासन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत भी किडनी मरीज का डायलिसिस इलाज शहर के अधिकांश अस्पतालों में बंद है। ऐसे में मरीज के समक्ष करो या मरो की स्थिति उत्पन्न है। तत्काल हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि श्रम और सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं, उनको हम लोगों ने मेल पर और उनके PS को टेलीफोनिक, यहाँ की तमाम जो दिक्कतें हैं ESIC में, जो डायलिसिस कल से नहीं होगा, इस बारे में उनको अवगत कराते हुए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तत्काल जो इंफ्रा प्लस का जो चल रहा था वहाँ पे, उसको या तो उसकी समयावधि बढ़ा दी जाए ताकि मरीजों का डायलिसिस पूर्व की भांति होता रहे। मैं अपने पिताजी का डायलिसिस कराता हूँ ESIC से, जो कि मैं 1 साल से डायलिसिस का सुविधा ले रहा हूं, और अचानक से मुझे आज बोल दिया गया कि कल से डायलिसिस आपका नहीं हो पाएगा, तो मुझे बहुत चिंतित हुआ। हमारी माँ भी रोने गाने लगी, हमारे साथ 70 आदमी थे, तो हमारे पास भैया का नंबर था, तो हमने भैया से संपर्क किया और अभी इस विषय पर हमने आयुष्मान में भी पता किया। आयुष्मान वाले लोग बोल रहे हैं हम लोगों का पैसा बकाया है, हम लोग डायलिसिस नहीं करेंगे। MGM थाना अंतर्गत डिमना चौक के समीप आनंदा जी स्वीट्स दुकान के पास अनियंत्रित वाहन ने एक बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए 2 चेले को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जोर थी कि बिजली के खंभे सहित आसपास के दीवार भी तोड़ दिया है। घटना स्थल पर कार के क्षतिग्रस्त पार्ट्स भी गिरे हुए हैं। किसी की घायल होने की सूचना है। यह घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। कार काफी तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर सीधा पोल से टकरा गई जिससे काफी क्षति पहुंची है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी जोर से आवाज आने के बाद वे घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि बिजली का खंभा गिर चुका है और दुकान के आसपास की चीज सब टूट चुकी है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना को सूचना दी। MGM थाना गाड़ी को जब्त कर ली। इस घटना में कितने लोगों को क्षति पहुंची है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। रात को करीब 1:30-2 बजे के समय में इधर से टिमना लेक के तरफ से स्पीड में गाड़ी आ रही थी, एक भरना, उसमें एक लेडीज था, एक जेंट्स था, एक बच्चा था और कोई एक आदमी था। इतना हाई स्पीड में आया, उधर से आके पोल से टकराते हुए एकदम पूरा तोड़ते हुए यहाँ घुस गए। लोगों का कंडीशन फिर थाना को सूचित किया गया, थाना वाला आया, लेके गया। चोट तो लगा है, एक उसमें लेडीज भी थी, एक बच्चा भी था, एक जेंट्स थे, वो 4 आदमी लगभग थे। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं? जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एडुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिजनेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिनप्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है।
जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता ना पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुर स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार, जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिनप्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीजन द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिनप्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोजाना सुबह 8 से लेकर रात्रि 10 तक खुली रहती है। धन्यवाद। भाजपा ने टिनप्लेट चौक पर मंगलवार को विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कार्यक्रम स्थल पर डब्बे रखकर उसमें चुनाव एजेंडा संबंधी सुझाव मांगे गए। लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। यह अभियान भाजपा के नगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। सुधांशु ओझा ने बताया कि 26 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद पूरे देश भर के सभी जिलों में यह अभियान चल रहा है। 6000 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में अभियान चल रहा है और इन्हीं सुझावों के आधार पर भाजपा का लोकसभा का चुनाव एजेंडा तैयार होगा। 26 फरवरी को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूरे देश में विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान की शुरुआत की। जगत प्रसाद नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस दिन के कार्यक्रम के बाद से पूरे प्रदेश और सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित है। देश के करीब 6000+ विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर हर विधानसभा क्षेत्र में एक जगह विकसित भारत मोदी की गारंटी का यह एक बॉक्स लगाया गया है, जिसमें लोग लिखित सुझाव आने वाले 24 में किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एजेंडा हो, इस एजेंडे के बारे में कैसा विकसित भारत हो, ऐसा लिख के इसमें डाल सकते हैं अथवा नमो ऐप पर भी डाउनलोड करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ मिस कॉल नंबर दिया है, उस नंबर पर भी आप मिस कॉल करेंगे, उधर से आपको कॉल बैक होगा। आप अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं कि 2024 के चुनाव में विकसित भारत के लिए जो मोदी की गारंटी के रूप में है, क्या क्या एजेंडा पार्टी लागू कर सके। लोगों का ऐसे 1 करोड़ लोगों का सुझाव पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर रही है और पूरे 6000+ विधानसभाओं से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का सुझाव इकट्ठा करके उनमें से चुनकर 2024 के चुनाव में विकसित भारत के लिए अपने एजेंडे को लागू करेगी। आजादनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ईशु भवन पंप हाउस के समीप मंगलवार की सुबह नदी में तैरता एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह जब लोग नदी में स्नान करने पहुंचे तो एक शव को पानी की सतह पर तैरते देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान राम निरंजन के रूप में हुई है। वे इस प्लांट बस्ती के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने ससुराल सुनारी में रहकर इलाज करा रहे थे। कल सुबह 10 घर से निकले थे और देर रात तक नहीं लौटे थे। परिजनों ने इसकी जानकारी सोनारी थाना को दे दी थी। इधर आज सुबह उनका शव नदी में तैरते अवस्था में पाया गया। संभव जताई जा रही है कि बीमारी की वजह से परेशान होकर राम निरंजन ने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वही सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे गए और शव की पहचान की। जो मृत है, ये मृत रहने वाले हैं इस प्लांट बस्ती के, इनका नाम हुआ राम निरंजन। इनके कुछ दिन पहले इनको पैरालिसिस अटैक मारा था, जिसके कारण ये अपने ससुराल में रह करके इलाज करवा रहे थे। इनका सोनारी बी ब्लॉक 115 नंबर में इनका ससुराल है और वहीं रह करके ये अपना इलाज करवा रहे थे।
इनको लगा इलाज के क्रम में कि अब हमारा सुधार नहीं होगा, इसलिए ये इतने बड़े काम को अंजाम देने में सफल। 11 बजे घर में दाढ़ी बनाने के नाम से मात्र 20 रुपया लेकर के घर से निकले। सारा पता किया गया तो टीवी के फुटेज के आधार पर कल खोजा भी गया, लेकिन कहीं इनका पता नहीं चला। आज सुबह थाना से फोटो भेजा गया तो हम लोग पहचान करने आए हैं तो वही है। पूर्व विधानसभा के विधायक ने बिष्टुपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर टाटा स्टील के MD द्वारा जमशेदपुर में इन्वेस्ट करने की बातों पर संतोष जाहिर किया। वहीं कई अन्य मुद्दे भी उन्होंने मीडिया के समक्ष रखे। उन्होंने 3 मार्च को MD द्वारा इन्वेस्ट किए जाने की बातों पर सहमति जताते हुए सुझाव दिया कि वे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एमिनिटीज में निवेश करें, क्योंकि यहां नगरपालिका का ढांचा काफी कमजोर है। वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका की कमजोर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उनकी 22 लाख की योजना 2020 से और लगभग 1.5 करोड़ की योजना 2022 से लंबित है, जो सरकारी पैसे को नगरपालिका खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने चांडिल डैम और सतनाला डैम से सीधे पानी जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्र में देने की बात कही थी, जिस पर सरकार ने टाटा स्टील से वार्ता कर कार्य की रूपरेखा तैयार करने की बात कही है, जो एक अच्छा संदेश माना जा रहा है। भी आता है तो हम गंदा पानी खींचते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उसको साफ करने में, और मोहरदा में तो बरसात के समय में 2-2 दिन बंद रखना पड़ता है प्लांट, क्योंकि इतनी गंदगी नदी में आ जाती है कि मशीन के लिए साफ करना मुश्किल है। तो मैंने पहले भी सवाल उठाया था और इस बार विधानसभा में सरकार के सामने भी सवाल उठाया कि हम सीधे चांडिल डैम का पानी जमशेदपुर, मानगो, बागबेड़ा, अजीतपुर, जूसराई या परसुढ़ी अन्य जगहों के लिए लें तो वहाँ से पर्याप्त पानी मिलेगा और उस पानी को साफ करने में कोई खर्च नहीं लगेगा, बहुत सामान कम खर्च में हो जाएगा। और उसके लिए 2 बिंदु भी मैंने सुझाया जहाँ से हम पानी ले सकते हैं। एक तो इस पानी को चांडिल का जो बाई तरफ वाली नहर है, घाटशिला की तरफ जाती है, वो 2-4.5 मीटर की ही दूरी पर है चांडिल डैम से। वहाँ से हम चांडिल डैम में पानी छोड़ दें और मानगो होकर आने के लिए बहुत बड़ा उनका पाइपलाइन, 4 पाइपलाइन बिछा हुआ है, उससे यहाँ आएगा और उसी से वो मोहरदा फिल्टर प्लांट में भी भेज दें, और कहीं आदितपुर में जो सिलाई में बागबेड़ा देना हो तो वहाँ फिल्टर प्लांट बनाकर उनको वहाँ से आपूर्ति कर दें तो लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। इस पर सरकार ने ना नहीं कहा, सरकार ने कहा कि हम टाटा से इस पर हम बात करेंगे और अब मैं प्रयास करूंगा और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी हो जाए, वही पानी है जो नीचे आता है अपने उद्योग के इस्तेमाल के लिए या सड़क धोने के लिए, बागवानी करने के लिए, और जो पानी है वह पानी नदी से सीधे खींचें और उसका इस्तेमाल करें, मगर पीने का पानी चांडिल डैम से लें। और मैंने यह भी कहा कि जो हमारी राष्ट्रीय जल नीति है 1987 में बनी, 2002 में संशोधन हुआ, फिर 2012 में संशोधन हुआ, उस राष्ट्रीय जल नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी जल स्रोत के या किसी भी जलाशय के पानी के ऊपर पीने के पानी का पहला अधिकार होगा। तो आप जो हमारा राष्ट्रीय जल नीति कर रही है उसके हिसाब से आप पहला अधिकार दीजिए हमको चांडिल डैम के पीने के पानी पर। मैं तो कहता हूँ चांडिल में भी दीजिए पाइपलाइन से, सरकार अगर और जगहों पर पानी देना चाहती है तो उसको भी दीजिए। और दूसरा सतनाला डैम है जहाँ चांडिल डैम से दाहिनी तरफ से जो नहर निकलती है वहीं बंद हो जाती है। वो नहर इसलिए बनी थी कि चांडिल और जमशेदपुर के बीच में खेती का इलाका था, उसे सिंचाई होगी, सिंचाई होने के बदले में पूरा इलाका निवास आवास स्थल बन गया है या उद्योग बन गया है। तो सतनाला डैम में पानी गिरा दीजिएगा, ऊंचाई पर है तो ग्रेविटी फ्लो से मानगो को भी दे सकते हैं, वहां से आप नदी पार करा दीजिए मानगो की तरह से, तो कांडरा गम्हरिया से लेके मूसाबनी तक के पीने के पानी की आपूर्ति वहां से हो सकती है। ये 2 बिंदु मैंने बताए।
बताया है सरकार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।